भाजपा नेता तफजुल वानी ने भारत चुनाव आयोग से एसआर बांदीपोरा शब्बीर अहमद को स्थानांतरित करने के लिए आग्रह किया है। बांदीपोरा में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तफजुल वानी ने सहायक आयुक्त राजस्व बांदीपोरा शब्बीर अहमद के निरंतर कार्यकाल के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है और उनके तत्काल स्थानांतरण की मांग करी है। वानी ने सवाल किया कि जिले के भीतर अन्य अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के बावजूद शब्बीर अहमद अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तफजुल वानी, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आज का मुद्दा मेरा ये है कि जो एसीआर बांदीपोरा है वो लोकल है, वो एनसी को पूरा सपोर्ट दे रहा है। मेरी दरख्वास्त रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, अगर सारों की ट्रांसफ़र होगी, ये असिस्टेंट कमिश्नर रेनू जो सफापोरा में रहता है उसका बॉर्डर मिलता है बांदीपोरा के साथ, क्योंकि वो अकबर लोन का पूरा सपोर्ट करता है, हिलाल लोन का पूरा सपोर्ट करता है। मेरी गुजारिश रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि उसको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र किया जाए। अगर उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा तो फिर हम सीधे दिल्ली जाएंगे, फिर वहीं पे हम ये बात करेंगे। मैंने कल जो हमारे जेएंडके के इलेक्शन कमीशन है, मैं उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में ये जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है, ये रिटर्निंग अफसर भी है इलेक्शन का, जब यही लोग एनसी के लोग इलेक्शन में काम करेंगे तो ये इनके ऊपर क्या भरोसा करेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी मोदी जी से भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसको बांदीपोरा से तुरंत हटाए। बाकी वसलम।